उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कैराना कोतवाली क्षेत्र में गांव डेरा यहां पर संगतपुर में पुलिस पर हमला करने वाला मामला आया सामने, जहां पर आपको बता दें चलिए कि पुलिस को सूचना मिलते ही वहां पर कुछ लोग अवैध शराब बेच रहे थे, जिसके बाद ही एसआई राजकुमार तथा हल्का इंचार्ज एसआई उपेंद्र सिंह गांव में पहुंचे और अवैध शराब तस्करों में पुलिस का कर रही कार्रवाई, जिसके साथ आप बता चले कि उन्होंने बाइक पर सवार दो लड़कों को रोका और उनके पास से शराब का पाउच मिला। पूछताछ के बाद ही दोनों को थाने ले जाया गया, जहां पर करीबन एक दर्जन लोग वहां पर आ गए, जहां पर एसआई राजकुमार के साथ मारपीट शुरू कर दी। टाइम बिगिन न्यूज़ शनि के लिए हाजिर। शामली के कैराना थाना क्षेत्र के ग्राम डेरा संगतपुर में रात्रि गश्त के दौरान हल्का इंचार्ज को सूचना प्राप्त हुई थी अवैध शराब की। इस सूचना पे सब इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह तथा सब इंस्पेक्टर राजकुमार मौके पे पहुंचे तथा गांव के बाहर ही मोटरसाइकिल पे दो मोटरसाइकिल सवार लड़कों को उन्होंने रोका, जिनके पास कुछ अवैध शराब के पाउच उनको बरामद हुए। उनसे जब पूछताछ की गई तथा उनको थाने ले जाने लगे, इतने में ही उनके कुछ अन्य साथी गांव से ही 6-7 व्यक्ति बाहर आए तथा उन्होंने सब इंस्पेक्टर राजकुमार के साथ हाथापाई कर दी, जिसमें उनको मामूली चोटें आई हैं और सभी आरोपी मौके से भाग गए। सूचना पाते ही तत्काल SHO कैराना तथा CO कैराना फोर्स सहित मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा दबिशें दी गईं, कुछ लोगों को हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की जा रही है। सब इंस्पेक्टर राजकुमार का मेडिकल कराया गया है, जिसमें सिंपल इंजरी आई है, वो वापस थाने पर आ गए हैं। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इन सभी आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही इसमें इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की।